मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। दिग्गजों की प्रतिष्ठा को मात देकर फिर चेयरमैन बनी शशि जैन। अतुल जैन के घर पर जश्न का माहौल। अमरोहा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती शशि जैन ने अपनी प्रतिद्वंदी फराह खान को 1340 वोटों से हरा कर जीत हासिल की है। शशि जैन की जीत पर शहर में खुशी का माहौल है। भारी भरकम समर्थकों ने अतुल जैन के घर पर जमकर जश्न मनाया। अमरोहा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव कशमकश का रहा। बहुजन समाज पार्टी से फराह खान प्रत्याशी बनाई गई थी। चुनाव से 4 दिन पहले हाथी की चाल तेज होने के कारण चुनाव में सपा की साइकिल के समीकरण बिगड़ गए थे। साइकिल को बहुत पीछे छोड़ते हुए हाथी और कमल के फूल में घमासान हुआ और अंत में कमल के फूल ने जीत हासिल की। शशि जैन अमरोहा में दोबारा से कमल खिलाने में कामयाब रही। लोग तो उम्मीद भी यही जता रहे थे कि 5 वर्षों में उन्होंने मेहनत की है और उनके पुत्रों ने जो शहर के लोगों को सम्मान दिया है उसके बदले में उनको लोगों ने वोट किया है। शशि जैन के पुत्र अखिल जैन और निखिल जैन 5 वर्षों तक शहर के लोगों की सेवा करते रहे, वहीं विकास से भी पीछे नहीं हटे। यही कारण था कि मुस्लिम मतदाता भी उनके साथ रहे और जमकर मतदान किया, जिस कारण अमरोहा पालिका परिषद पर श्रीमती शशि जैन को दोबारा से जीत हासिल हुई। अमरोहा से आशुकीन कौशिकी पावट। जी भाभी जी, आपको दोबारा चुनाव जिताया है यहाँ के जनता ने, उनके लिए जरा कुछ कहेंगे? मैं सभी अमरोहा वासियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यह जीत हम मुझे अमरोहा के सभी लोगों के सहयोग से मिली है और मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ इस जीत के लिए। यह जीत मेरी नहीं, पूरे अमरोहा वासियों की है, भारतीय जनता पार्टी की है और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे दोबारा नेतृत्व करने का मौका दिया। मैं सभी अमरोहा वासियों को विश्वास दिलाती हूँ कि पिछले चुनाव में भी विकास ही मेरा मुद्दा था और इस बार भी विकास ही मेरा मुद्दा है और बहुत कुछ सफलता तो हमने प्राप्त कर ली है पिछले कार्यकाल में, जो कुछ बचे हुए कार्य हैं वो इस कार्यकाल में पूरे करेंगे और जो हमने 45 गांव सीमा विस्तार में जोड़े हैं, अब हमारा लक्ष्य उन गांवों का शहरीकरण करना है, उनका विकास करना है। एक बार पुनः मैं सभी अमरोहा वासियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। भाई,